आज की इस वीडियो में 6 स्टाइलिश पैंट्स बताने वाला हूँ गाइस, जिन पैंट्स को कोई भी मिडिल क्लास बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। आप उन पैंट्स को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल भी महंगी नहीं आने वाली है गाइस। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बंदा इन पैंट्स को खरीद सकता है। एंड ज़्यादातर पैंट्स को आपने पहले भी देख रखा होगा, बट इस वीडियो में उन पैंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और आपको पैंट्स लेने से पहले क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी चाहिए वो भी बात करेंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा न्यू पैंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बट आपके बजट में आ जाएंगी सारी पैंट्स। आप नाम सुनकर पैंट्स का ये मत सोचना कि ये पैंट्स थोड़ी ज्यादा होगी, बट भाई प्रॉब्लम वहां आती है, आप मेरे भाई वीडियो पूरी देखते नहीं हो और नीचे कमेंट करते हो कि युवराज भाई हमें कुछ समझ नहीं आया। गाइज आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर इस चैनल पर नए हो तो भाई देखो सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल का एम है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, आपको हैंडसम एंड स्टाइलिश बनाना। तो विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो फॉर इट। सो गाइज नंबर वन की जो हमारी पैंट वो है चीनोस जॉगर्स। ये पैंट बिल्कुल चीनो पैंट की तरह बनाई गई है, बट गाइस इसके ऊपर बटन की साइड कुछ इस प्रकार की इलास्टिक होती है एंड इसके फुटवेयर में कुछ इस प्रकार के कफिंग्स होते हैं गाइस। ये कफिंग्स इनको बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखाते हैं, बट ये चीनोस पैंट से इसलिए अलग है गाइस, इन पैंट्स के दो बहुत बड़े फायदे हैं। आप इन पैंट को कैजुअल वेयर एंड फॉर्मल वेयर में पहन सकते हो। कैजुअल वेयर में आप इस पैंट को टी शर्ट एंड शर्ट के साथ पहन सकते हो एंड फुटवेयर में आप इसके साथ स्नीकर्स एंड लोफर शूज इजिली वेयर कर सकते हो। और अगर आपको फॉर्मल आउटफिट इसके साथ बनाना है तो आपको इसके नीचे के कफिंग्स को फोल्ड कर लेना है गाइस। जब आप इसके कफिंग्स को फोल्ड कर लोगे तो ये एक बिल्कुल फॉर्मल पैंट में कन्वर्ट हो जाएगी और जब आप ये फॉर्मल पैंट में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको फॉर्मल शर्ट के साथ इसे वेयर कर लेना है। इस पैंट के ये दो बहुत बड़े फायदे हैं गाइस। और ये पैंट कॉटन मटेरियल से बनी है एंड काफी रिलैक्स ये पैंट है। आप ज्यादा ट्रैवल करते हो तो आप इस पैंट को पहन लीजिए, आप काफी रिलैक्स इसमें दिखने वाले हो और काफी स्लिम ये पैंट है गाइस। इसका लिंक बाय आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे इजीली बाय कर सकते हो। एंड गाइज अब चलते हैं नंबर टू की पैंट की ओर। नंबर टू पर है गाइज लाइक्रा पैंट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको नाम से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सारी पैंट्स आपके बजट में आ जाएंगी। ये लाइक्रा पैंट इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी गाइज एंड काफ़ी ज़्यादा लोग इसे वेयर कर रहे हैं और इसकी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। आप में से 100% लोगों ने इस पैंट को देखा होगा। ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रेचेबल पैंट होती है जिसे आप स्ट्रेट कर सकते हो और समर्स में ये पैंट्स बहुत ज़्यादा पहनी जाती हैं गाइज, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती और दिखने में ये पैंट भी थोड़ी चीनो पैंट की तरह लगती है, पर ये आपको काफी फॉर्मल लुक देती है गाइज और ये पैंट थोड़ी शाइनिंग मारती है, तो इसकी ये पहचान है। और आप जब भी इस पैंट को लेने जाओ गाइज तो आपको खाकी, नेवी ब्लू एंड ऑलिव ग्रीन इन्हीं कलर की ये पैंट लेनी है, क्योंकि इन कलर्स को आप किसी भी अपरवेयर के साथ इजी वेयर कर सकते हो। और लाइक्रा पैंट को भी आप गाइज अपनी टी शर्ट एंड शर्ट के साथ वेयर कर सकते हो एंड फुटवेयर में आप लोफर्स, ट्रेनर्स एंड वाइट स्नीकर के साथ इन पे जा सकते हो। अब चलते हैं नंबर थ्री की पैंट की ओर। नंबर थ्री पर है गाइस मेरी पर्सनली फेवरेट पैंट कार्गो पैंट। इस पैंट के अनेक फायदे हैं गाइस। सबसे पहले तो इसके ऊपर कुछ इस प्रकार की पॉकेट्स होती हैं गाइस। इस पैंट में हर जगह इस प्रकार की पॉकेट्स आपको दिख जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होती है ये पैंट। इस पैंट को ज़्यादातर ट्रैवलिंग करने वाले बंदे पहनते हैं गाइस। और इस पैंट की जो पॉकेट्स होती है इनमें आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हो, अपने ज़्यादातर सामान इनके अंदर रख सकते हो। और जब भी आप इन्हें पहनते हो गाइस तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको न्यूट्रल्स कलर की कार्गो पैंट लेनी है, क्योंकि गाइस आपको ऐसे कलर की लेनी है जो गंदे जल्दी से ना हो। और ये पैंट थोड़ी भारी होती है एंड काफी थिक मटेरियल की बनी होती है, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत गर्मी लग सकती है गाइस। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप इस पैंट को ले सकते हो अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो, और ये सारी पैंट्स आपके बजट में आ जाएंगी। और आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना गाइस, इन सारी पैंट्स के आपको लिंक दिख जाएंगे और आप अगर डिस्क्रिप्शन से बाय करोगे गाइस तो आपको और भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड आपको न्यू कलर्स मिल जाएंगे। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और अगर वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में। तो विदाउट एनी वेस्ट टाइम चलते हैं नंबर फोर की पैंट की ओर। नंबर फोर पर है गाइस जींस। हम में से ज्यादातर बंदों ने जींस वेयर करी है, बट हम में से ज्यादातर बंदों ने जींस के साथ मिस्टेक्स भी करी है गाइस। आप जब भी जींस लेते हो गाइस तो आपको ज्यादा डैमेज जींस नहीं लेनी, आपको मैक्सिमम डैमेज जींस लेनी है गाइस। और आपको कुछ ऐसे कलर्स में जींस लेनी है जिसे आप बार बार रिप्लेस कर सको अपने और
और आउटफिट के साथ। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ब्लैक जीन्स, ब्लू जीन्स एंड आपको डार्क ब्लू जीन्स जरूर लेनी है गाइज, और आप ग्रे जीन्स ले सकते हो। इन जीन्स को आप किसी भी आउटफिट के साथ इजिली वेयर कर सकते हो, और आप जीन्स जब भी लेते हो गाइज तो आपको नहीं तो ज़्यादा टाइट एंड नहीं ज़्यादा लूज लेनी है, आपको स्लिम फिट जीन्स लेनी है गाइज, जिसे आप इजिली वेयर कर सको और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दिख सको, क्योंकि जिस चीज़ में आप जितना कंफर्टेबल दिखोगे उस चीज़ में उतना ही स्टाइलिश आप दिखोगे गाइज। एंड नंबर 5 पर है गाइज फॉर्मल पैंट। फॉर्मल पैंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि इस पैंट को आप कॉलेज, ऑफिस एंड स्कूल पहनकर जाते हो। जो आप स्कूल पैंट पहनते हो वो भी फॉर्मल होती है, एंड जो आप पूरा ओवरऑल आउटफिट पहन के जाते हो ऑफिस, वो भी गाइज आउटफिट फॉर्मल की कैटेगरी में आता है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा बंदे इसे कॉलेज भी पहनकर जाते हैं। फॉर्मल इज द वेरी हैंडसम आउटफिट फॉर मेंस, क्योंकि गाइज जब आप फॉर्मल आउटफिट को अपने ऊपर वेयर करते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा माचो एंड स्टाइलिश दिखते हो गाइज। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी फॉर्मल पैंट ले हो, तो आप नेवी ब्लू, खाकी, ग्रे एंड ऑलिव ग्रीन कलर की ही लेना गाइज। इन फॉर्मल पैंट को आप इजिली किसी भी शर्ट के साथ वेयर कर सकते हो, और फॉर्मल शर्ट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो गाइज। एंड गाइज अब चलते हैं लास्ट एंड नंबर 6 की पैंट की ओर। नंबर 6 पर है गाइज ब्लैक चिनो पैंट। आपने एक डायलॉग तो सुना होगा गाइज कि बाप बाप ही होता है, गाइज ये वही है। ब्लैक चिनो पैंट के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि इस पैंट के साथ आप अनलिमिटेड आउटफिट बना सकते हो। इस पैंट को पहनने के बाद आप अपने ऊपर कुछ भी वेयर कर लो गाइज, आप स्टाइलिश दिखने वाले हो। आप इसके साथ टी शर्ट, शर्ट, कोट, ब्लेजर कुछ भी वेयर कर सकते हो गाइज। फुटवेयर में आप लोफर शूज, स्नीकर शूज एंड बूट्स एंड बाइकर शूज किसी को भी इसके साथ वेयर कर सकते हो, आप स्टाइलिश ही दिखने वाले हो गाइज। और अगर आपका भी बजट लो है और आपको सिर्फ 2 पैंट्स के साथ अनलिमिटेड आउटफिट बनाने हैं गाइज, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में।